सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम जो है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल्ड जो है इसके ऊपर लेक्चर रहेगा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि आपकी JKSSB के पंचायत सेक्रेटरी और VAW के एग्ज़ाम में के सिलेबस में आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ आपका जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एंड फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, उसमें भी जो है आपको एक स्पेशल टॉपिक रखा गया है। इसके अलावा आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी जो है आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो या दूसरे एग्ज़ाम जो हैं उसमें भी आपको जो है ये टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीज़न में हम जो हैं वो बाउंड्रीज़ देखते हैं स्टेट्स की, अलग अलग बाउंड्रीज, स्टेट्स की कैपिटल्स जो हैं वो क्या हैं, और स्टेट्स के अंदर जो खासियत रहती है, हर स्टेट की क्या खासियत रहने वाली है वो क्या है वो देखी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको एक ओवरव्यू में इंडिया के पॉलिटिकल मैप का दे देता हूं। तो ये पॉलिटिकल मैप है, आपके पास PDF है ये पॉलिटिकल मैप की, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत के अलग अलग राज्य, भारत के अलग अलग UTs जो हैं उनकी बाउंड्रीज जो हैं उसको दर्शाता है, और साथ ही साथ इसमें कैपिटल्स भी आपको दी गई हैं, और कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं ये भारत के स्टेट्स को टच कर रही हैं, और साथ ही साथ मैरीटाइम बॉर्डर जो है अब कहाँ कहाँ टच कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको पॉलिटिकल मैप के अंदर बताई जाती हैं। ठीक है, अब जो है इसके अंदर की जो डिटेल है उसको हमने लिख कर रखा है, हम वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैप जो है ये आपने देख ही लिया है। उसके बाद हम जो कुल मिलाकर बात करें तो हमारी मौजूदा टाइम में अगर आप देखोगे तो भारत की 28 स्टेट्स हैं और लगभग 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और इन हर स्टेट्स की और हर यूनियन टेरिटरी की कैपिटल जो है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जब आप पॉलिटिकल डिवीज़न जो है भारत की उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 28 स्टेट्स जो हैं और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनके नाम और उनकी कैपिटल जो है ये आपको प्रोवाइड है। यहाँ पर नाम है, यहाँ पर कैपिटल है, ये भी आगे नाम, ये उनकी कैपिटल है। तो इस चीज़ को एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो फंस सकता है। ठीक है, 24 के बाद आपकी जो 25वीं स्टेट है, 26वीं स्टेट है, 28वीं स्टेट है, इनकी जो है ये कैपिटल्स हैं, और साथ ही साथ उसके बाद जो आपकी यूनियन टेरेटरीज हैं 8, जिसमें 3 यूनियन टेरेटरीज आपको यहाँ पर हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज यहाँ पर हैं, इनकी भी आगे जो है फर्दर आपको कैपिटल्स जो है वो लिखी दिखाई देंगी। तो इन पर ज़रूर एक नज़र मारिएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन जो है वो जरूर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आखिर में एक फैक्ट जो है, एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट 4 स्टेट दी गई हैं, उसमें एरिया वाइज जो है सबसे बड़ी स्टेट वो आपकी राजस्थान आती है, और उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर है, आंध्र प्रदेश, और आखिर में आपको एक और पॉइंट देखने को मिलेगा कि गोवा जो है ये सबसे आपकी स्मॉलेस्ट स्टेट जो है ये गोवा मानी जाती है। ठीक है, तो राजस्थान आपकी सबसे बड़ी स्टेट है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, एंड गोवा जो है आपकी सबसे छोटी स्टेट है। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स के ऊपर देख लेते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। तो कहता है कि 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये भारत को जो है, भारत की जो पूरी टेरिटरी रहती है इसको बांटता है, इसके हिस्से करता है, इसके स्टेट्स बनते हैं, इसके यूनियन टेरिटरीज बनती हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो ये पहली स्टेट थी 1956 में जो बनाई गई थी लिंग्विस्टिक बेसिस में, आंध्र प्रदेश स्टेट बनाई गई थी मद्रास से अलग होकर। ठीक है, तो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जो आज की हम मौजूदा स्टेट्स देखते हैं जो अलग अलग स्टेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 2000 में जो है 3 नई स्टेट जो हैं वो बनाई गई हैं, जो रीसेंट स्टेट्स बनाई गई हैं उसके ऊपर हम देखेंगे, जिसमें आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, उत्तरांचल जो है जिसको उत्तराखंड कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया, और झारखंड जो है ये आपका बिहार से अलग करके बनाया गया। तो ये 3 नई स्टेट्स जो हैं ये 2000 में बनाई गई, और सबसे रीसेंट जो है वो 2014 में आपकी स्टेट काब हुई है, वो है आपकी तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक इंडिविजुअल स्टेट बनी है। तो सबसे रीसेंट स्टेट जो है वो आपकी तेलंगाना है, और सबसे रीसेंट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है, तो बिल्कुल हमारी यूनियन टेरिटरी जिसमें हम बैठे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 का, इसने जम्मू कश्मीर की जो अरेस्ट वाइल स्टेट थी इसको तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो 31 अक्टूबर से जो है ये कानून जो है वो इफेक्ट में है।
उसके बाद आगे कुछ और फैक्ट्स जो है उसके ऊपर देखते हैं हम। तो भारत की जो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर की है, जिसमें लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री जो है भारत की वो बांग्लादेश की स्टेट के साथ है, और स्मॉलेस्ट जो है वो अफगानिस्तान की स्टेट के साथ है जो कि 80 किलोमीटर की है, और बांग्लादेश के साथ जो है वो है लगभग 4,086 किलोमीटर की। और उसके बाद भारत का जो मैरीटाइम बाउंड्री अगर आप देखो, जो पानी के समंदर के साथ तो सतह टच होती है, तो वो 7,516 किलोमीटर मैरीटाइम बाउंड्री है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री जो है वो भी इंक्लूड होती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो यूपी है एकमात्र स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ जिसकी बाउंड्री टच होती है, 9 स्टेट्स के साथ यूपी की बाउंड्री टच होती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। एंड इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे तो नेपाल के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। और सेकेंड नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा किसकी बाउंड्री टच होती है, तो वो है आसाम की, जिसकी 7 स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच होती है, और साथ ही साथ 2 इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखोगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बिहार में आपको देखने को मिलेगी, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। लिटरेसी के मामले में अगर आप देखोगे तो केरला जो है हाईएस्ट लिटरेसी केरला में देखने को मिलेगी, और लोएस्ट जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगी। एरिया वाइज हम स्टेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज जो है राजस्थान है, स्मॉलेस्ट गोवा है अभी हमने पढ़ा है, और यूटी अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट एरिया वाइज जो है वो लद्दाख है, और स्मॉलेस्ट जो है एरिया वाइज वो है चंडीगढ़। पॉपुलेशन वाइज अगर स्टेट्स को देखने चलोगे तो आप लार्जेस्ट जो आपको यूपी मिलेगी, स्मॉलेस्ट जो है वो सिक्किम मिलेगी। और भारत में टोटल कोस्टल स्टेट्स कितनी हैं जो कि बाउंड्री जिनकी मैरीटाइम बाउंड्री टच करती है, तो वो 9 स्टेट्स हैं, जिसमें गुजरात की सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट जो है यानी हाईएस्ट माउंटेन जो भारत का वो कौन सा है, तो K2 है जो कि POK में पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर आपका कंचनजंगा रहता है, ठीक है। सेक्स रेशो की बात करोगे तो केरला की हाईएस्ट सेक्स रेशो एंड लोएस्ट सेक्स रेशो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। और आपके साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है इक्वेटर के, वो भारत की 8 स्टेट से होकर गुजरता है, जिसमें गुजरात के जाशतान एरिया से गुजरता है, राजस्थान के कलिंगजर जगह से मिलता है गुजरता है, मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर एंड छत्तीसगढ़ के सोनाहत, झारखंड के लोहारदगा, वेस्ट बंगाल के कृष्णानगर, त्रिपुरा के उदयपुर एंड मिजोरम के चंफाई एरिया से होकर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये गुजरता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स जो आपको दिए गए हैं, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुजरात का है, जिसको कच्छ डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये भारत का राज्य लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो माहे है जो कि पुदुचेरी में है, ठीक है। उसके बाद जो इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, वो अंडमान एंड निकोबार में है। उसके बाद बैरन आइलैंड जो है भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि अंडमान सी में आपको मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर, ठीक है। उसके बाद नारकोंडम आइलैंड जो है ये भी एक वॉल्केनिक आइलैंड है, जो कि नॉर्थ अंडमान में आपको देखने को मिलेगा। देन आपको 10 डिग्री चैनल जो है, एक 10 डिग्री चैनल है जो कि आपका अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से जो है वो सेपरेट करता है, ठीक है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद डंकन पास जो है ये आपका साउथ अंडमान एंड लिटल अंडमान के बीच में है। बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डंकन पास जो है ये अंडमान की कौन कौन से आइलैंड्स के बीच में है, तो ये आपका साउथ अंडमान एंड लिटल अंडमान आइलैंड के बीच में है। उसके बाद है ग्रैंड चैनल जो है एक देखने को मिलता है, ग्रैंड चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, ये इसके बीच आपको ग्रैंड चैनल मिलता है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इनको एमिराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एमिराल्ड आइलैंड अंडमान एंड निकोबार को कहा जाता है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका आइलैंड ऑफ मिनिकॉय को जो है यानी लक्षद्वीप का जो आइलैंड है उसको मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका आइलैंड एंड मिनिकॉय को लक्षद्वीप की जो बाकी आइलैंड से उनसे अलग करता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी फैक्ट है पाल्क स्ट्रेट जो है ये आपका श्रीलंका एंड तमिलनाडु के बीच में है, और एडम ब्रिज जो है आपका ये भी तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। तो पाल्क स्ट्रेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन एडम्स ब्रिज जो है ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स जो हैं स्टेट्स के बारे में जानते हैं, तो आंध्र प्रदेश जो है एकमात्र स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल हैं,
और उसके बाद दूसरे नंबर अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड है जिसकी दो कैपिटल्स हैं। वैसे दो कैपिटल जम्मू कश्मीर की भी हैं और हाल ही में उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल जो है वो बनाई गई है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश एकमात्र स्टेट है भारत की जिसकी तीन कैपिटल हैं, और आंध्र प्रदेश पहली स्टेट थी जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनी थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हरियाणा का जो पानीपत है इसको वियवर सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लद्दाख जो है लद्दाख को लिटिल टिब्बिट आर मून लैंड के नाम से जाना जाता है। देन आपका जो झारखंड है झारखंड को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और केरला जो है केरला को गॉड ऑन सिटी कहा जाता है जो कि स्पाइसेस के लिए फेमस है, गॉड्स ऑन सिटी कहा जाता है, भगवान के काफ़ी सारे यहाँ पर मंदिर मिल रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है ये भी मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको, और सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही मिलेगी। और उसके बाद मेघालय के बाद बात करोगे तो मेघालय को एडोब ऑफ क्लाउड कहा जाता है, और जो वेटेस्ट प्लेस है भारत का जिसको मानसून राम कहते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा मेघालय में, और मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नागालैंड है नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। पंजाब जो है इसको लैंड ऑफ फाइव रिवर के नाम से जाना जाता है। और आखिर में अगर आप देखोगे तो राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। कोलकाता जो है कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कोलकाता जो कल्चरल कैपिटल इसको कहा जाता है। और आपकी जो मुंबई है मुंबई जो है इसको फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कैपिटल आपकी दिल्ली आ गई, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई आ गई, और कल्चरल कैपिटल आपकी कोलकाता आ गई। उसके बाद जो चंडीगढ़ है चंडीगढ़ को ली कॉर्बूसियर ने बनाया था, ये इसके आर्किटेक्ट थे और ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी जगह पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपकी पॉलिटिकल डिवीजन के अंदर आपको याद रखने। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरू के स्क्रीनशॉट में बताया है जो आपके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनकी कैपिटल जो है आपको ये सबकी कैपिटल जो है वो याद रखनी है, क्योंकि इस कैपिटल के बीच में से जो आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। और पॉलिटिकल एंड जो आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन है दूसरा पार्ट जो रहेगा उसमें हम फिजिकल डिवीजन जो है वो पढ़ेंगे और इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।